बिहार एनडीए में खींचतान की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी संयुक्त की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी ने एक तरह से गठबंधन के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के बाद पार्टी ने ऐलान किया है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ ही गठबंधन जारी रहेगा। बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी इन चुनावों में अकेले नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने इसका ऐलान किया है। बीजेपी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी की ओर से यह ऐलान किया जाना है कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ 2024 में आम चुनाव और 2025 के बिहार चुनाव में गठबंधन जारी रहेगा। पिछले कुछ समय में तलखी के बाद रुख में आई नरमी का संकेत माना जा रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से भी पिछले दिनों में इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि वह वक्त आने पर विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कई बार टकराव जैसे हालात देखने को मिले, हालांकि नीतीश कुमार अपने रुख पर अड़े रहे। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी नीतीश की ओर से आरजेडी के साथ आने के संकेत मिलने के बाद ही बैकफुट पर आएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।